स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लेयर के घर पर एक कुरियर आता है। उस कुरियर को तैयार होने के बीच में ही लेने आती है। किचन में पड़े हुए बॉक्स को देखकर वो कहती है कि ये क्या है। उसे नहीं पता, पर उसे एक न्यूज चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। इसके बाद उसका हस्बैंड उस पर रखा हुआ कार्ड पढ़ता है। उसकी वाइफ से कहता है कि माइल्स ने कुरियर किया है। यहाँ पर इंटरव्यू शुरू होते ही हमें पता चलता है कि क्लेयर एक गवर्नर है। कोविड चल रहा था और इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम ही वो कर रही थी। क्लेयर अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देती है। रिपोर्टर से हमें पता चलता है कि क्लेयर के कैंपेन को बैकअप किया था बिलियनेयर फिलैंथ्रोपिस्ट माइल्स ब्रॉन ने। उन्होंने अल्फा नाम के एक टाइकून कंपनी को क्रिएट किया है। उसके साथ उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी बनाई थी। दूसरी तरफ हम एक लैब देखते हैं जहां पर लियोनेल नाम का साइंटिस्ट जो माइल्स की कंपनी में काम करता है वो कुछ लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो लोग उसे समझा रहे थे कि तुम्हें कभी ना कभी माइल्स को ना कहना पड़ेगा, तुम एक साइंटिस्ट हो, कोई पब्लिसिस्ट नहीं। माइल्स अजीबोगरीब आइडियाज निकालता था, पर इस आइडियाज पर अब वो वर्क नहीं कर सकते थे। लियोनेल कहता है कि माइल्स एक जीनियस है और उसके आइडियाज पर काम करना चाहिए। लियोनेल कहता है कि माइल्स मुझे कभी भी आधी रात को आइडियाज फैक्स करता है। ऐसे ही उसका क्रिप्टो का आइडिया सक्सेसफुल भी रहा था। ये सब बात करते वक्त उसके पास भी एक कुरियर आता है। वो सबसे कहता है कि हमें काम करना ही पड़ेगा। सब लोगों ने कहा कि अगर चीजें फेल हो गए तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमें क्लेयर टीवी पर दिखाई जाती है जहाँ दूसरी तरफ पार्टी चल रही थी। यहाँ पर हम बर्डी को देखते हैं जो कहती है कि वो बहुत ही बोर हो चुकी है। पेक फिर वहां पर वैसे ही कुरियर लेकर आई जो हमारे प्रीवियस दो कैरेक्टर्स के पास आया हुआ था। पेक बर्डी को मोबाइल नहीं यूज करने दे रही थी क्योंकि बर्डी हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट कर देती है। वो एक सेलिब्रिटी है और ये अच्छा नहीं है। वो भी ये वुडन बॉक्स देखती है। इसके बाद क्लेयर लियोनेल से फोन पर बात कर रही थी। वो इस चीज को खोलने की बात कर रहे थे जो खुल नहीं रहा था। तभी क्लेयर को बर्डी का कॉल आता है और उसे कॉन्फ्रेंस पर लेती है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ओपन कैसे किया जाए। सब लोग फिर मिलकर इसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था डूग। वो एक यूट्यूब पर लाइव वीडियो कर रहा था। वो अपने व्यूअर से बात कर रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड को भी हम देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है। उसे इग्नोर कर फिर से अपनी लाइव वीडियो पर फोकस कर रहा था। मॉम ने उसे फिर से बुलाया पर वो इग्नोर करता है तो उसकी मदर आकर उसे डायरेक्टली एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद डूग लोगों को सॉरी कहकर अपनी माँ के पास जाता है। वो कहती कि तुम्हारे लिए एक बॉक्स आया। इसके बाद फिर ड्यूक बर्डी को कॉल करता है। कहता है कि मेरी मदर ने बॉक्स को ओपन कर दिया है। ये एक स्टूडियोग्राम है। अगर हम इसे किसी और तरीके से देखते हैं तो हिडन चीजें हमें यहाँ पर दिख सकती है। उसमें हिडन मैसेज लिखा जाता है। एक सही तरीके से देखने के बाद सब लोगों को फिर इसे खोलने का बटन मिल जाता है। इसके बाद लियोनेल और सब लोग बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहां पर उन्हें कई सारे पजल्स मिलते हैं। कुछ पजल्स में चेसबोर्ड था, कुछ पजल्स में म्यूजिक था, कुछ पजल में इस बॉक्स को नॉर्थ में घुमाना था। सारे पजल सॉल्व करने के बाद आखिर में सिल्वर का अटोनिक नंबर डालने के बाद बॉक्स खुल जाता है। इसमें से उन्हें कार्ड मिलता है। इस कार्ड में माइल्स ने सब लोगों को उसके आइलैंड पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए बुलाया था। इसमें उनके साथ एक गेम खेलने वाला था। इसमें उसकी खुद की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। उसके पास भी वैसा ही बॉक्स आया था। उसे सॉल्व नहीं करती तो डायरेक्टली हथौड़े से तोड़ देती है। उसके अंदर का लेटर पढ़ती है। इसके बाद हम एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव ब्लैंक को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अमंग अस खेल रहा था, पर उसके दोस्त पहचान जाते हैं कि वही इम्पोस्टर है। वो फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कहता है कि लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर हूँ तो मेरे ब्रेन को गंज लग चुका है। उसे कुछ ना कुछ तो केस चाहिए, काम चाहिए, ताकि उसका ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर सके। उसे ये बॉक्स मिला था तो फिर वो एक डॉग के पास पहुंच जाता है। वहीं पर सब लोग भी आ जाते हैं। उनके पास एक क्रूज से एक आदमी आता है और उनके मुंह में एक मेडिसिन देता है ताकि इस आइलैंड पर सब लोग फिर सेफ रह सके। फाइनली वहां पर वो बॉक्स तोड़ने वाली लड़की भी आ जाती है। सब लोग फिर एक बोट में बैठकर वहां से चले जाते हैं। हमें फिर लियोनेल और ब्रैंक की बातों से उस लड़की का नाम कसांड्रा पता चलता है। उसे फ्रेंड्स एंडी कहते हैं। एंडी और माइल्स ने साथ में अल्फा क्लब की शुरुआत की थी। इसके बाद वो किसी रीजन से अलग हो गए थे। वहां पर थोड़ी देर बाद फिर हमें माइल्स का आइलैंड दिखाया जाता है। वहां पर सब लोग उतरे और माइल्स सबसे मिलता है। यहाँ पर ब्लैंक और एंडी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स के घर पर एक एक्चुअल ग्लास ओनियन बना हुआ था। वो कहता है कि यूजुअली यहाँ पर 50 लोगों का स्टाफ होता है, पर मैं आप सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसी वजह से उन्होंने सबको घर भेज दिया है। वो फिर सब लोगों को उनके रूम देता है। उनके हाथों में जो ब्रेसलेट था वो उनके रूम की कीज थी। इसके बाद फिर माइल्स ब्लैंक से अकेले में बात करने के लिए ग्लास ओनियन में बुलाता है जो उसका ऑफिस भी था। यहाँ ब्लैंक सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें देखता है। इस चीजों से बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। माइल्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। ब्लैंक कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। माइल्स कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। ब्लैंक इस बात से सरप्राइज्ड हो गया। ब्लैंक उससे कहता है कि तुमने लोगों को जो बॉक्सेस भेजे थे, क्या इन बॉक्सेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बॉक्सेस सिर्फ 5 ही बनवाए गए थे और 5 इन्विटेशंस थे, यानी कि किसी ने बॉक्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर फिर उसे ब्लैंक को भेजा था। इसके बाद फिर माइल्स ब्लैंक को ऑफिशियली इन्वाइट करता है उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए।
ब्लैंक तो वैसे भी एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव था ही। नेक्स्ट दिन में सब लोग पूल के मजे रह रहे थे। ब्लैंक भी वहां पर अपने स्विमिंग क्लोथ में आ जाता। वो सब पार्टी करने लगते। बर्डी और पेक की बात चल रही थी। बर्डी माइल्स के पास्ट को मेंशन करते हुए कहती है कि माइल्स सबसे पहले मेरे पास आया था जब वो कुछ भी नहीं था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मुझसे मिल रहा है। उसे माइल्स को वैसे फिर से एक बार देखना है। सब लोग बात कर रहे थे तो उनके पास ब्लैंक आकर उनसे बात करने लगता है। ब्लैंक उसे पूछता है कि डिसरप्टर्स का मीनिंग क्या है। माइल्स उसे इसका मीनिंग समझाता है। कहता है कि ऐसे लोग जो सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद वहां पर एंडी आ जाती है। कहती है कि वाह तुमने क्या स्पीच दी। फिर वो सब कुछ बताने लग जाती है। कहती कि सबको पता है कि लियोनेल किसके लिए काम करता है। सबको पता है कि इसने क्लेयर के कैंपेन में पैसे लगाए थे। सबको पता है कि किसने बर्डी के स्वीटी पैंट्स में इन्वेस्ट किया था। इसी तरीके से ड्यूक को ट्विट से यूट्यूबर बनाने में भी तुम्हारे ही हाथ था। सब लोगों को सिर्फ तुमने ही सपोर्ट किया था, बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं था। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद माइल्स सबको रात में डिनर के लिए 8 बजे बुलाता है। यहाँ पर माइल्स को बर्डी का नाम खराब होने से बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद हम ड्यूक को देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड विस्की अब माइल के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ड्यूक को ये सब देखते हुए दूर से ब्लैंक भी देख रहा था। अब रात में सब लोग मिलकर माइल्स के यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एंटिक चीजें रखी हुई होती है। वो सब लोगों को उनकी ड्रिंक्स देता है। क्लेयर वहां पर बड़ी हुई मोनालिसा पेंटिंग को पॉइंट आउट करती है। माइल्स कहता है कि फ्रांस को जरा पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, और इसके बदले में उन्होंने मुझे मोनालिसा पेंटिंग रखने के लिए दी थी। बचपन में जब भी मैं इस पेंटिंग को देखता था तो इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। इस पेंटिंग की उसे सिक्योरिटी भी दिखाता है। इसके बाद उसने सब लोगों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल दिखाई। वो कहता है कि इससे कार्बन इमिशन नहीं होगा, ये लिटरली सी वाटर से बनी है। इतना सा छोटे से फ्यूल में बहुत कुछ चल सकता है। इस फ्यूल को लॉन्च करने वाला था। इस बात पर लियोनेल नाराज हो गया। वो कहता है कि इस जैसी चीज को 2 साल तक टेस्ट करना चाहिए, इसी के बाद तुम इसे आउट कर सकते हो। माइल्स कहता है कि पूरी जगह हाइड्रोजन फ्यूल पर ही चल रही है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। इसके बाद सारे लोग डिनर के लिए बैठते हैं। माइल्स सबसे कहता है कि डिनर के बाद मेरा मर्डर होने वाला है, इसकी मिस्ट्री आप सब लोगों को सॉल्व करनी है, जो सॉल्व करेगा वो जीत जाएगा। ब्लैंक ने पूछा कि जीतने वालों को क्या मिलेगा। माइल्स जरा कंफ्यूज हो गया तो ब्लैंक कहता है कि शायद आईपैड वगैरह मिलना चाहिए, तो माइल्स इसके लिए मान जाता है। ब्लैंक फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बर्डी एक किलर है, वही यहाँ पर पड़े हुए क्रॉसबो को रिमोट कंट्रोल की मदद से कंट्रोल करेगी और फिर तुम्हें शूट करेगी। वो तुमसे रिवेंज लेना चाहती है क्योंकि तुमने उसका डायमंड चुरा लिया है। वो फिर सब कुछ डिटेल्स बताने लग जाता है। वो कहता है कि पहले इस सीट की अरेंजमेंट को देखो, जहाँ पर एक क्रॉसबो डायरेक्टली तुम्हारी तरफ पॉइंट किया गया है, एक विंटेज कंपनी जेहॉक का है। इसके बाद उसने बर्डी के रूम के बारे में भी बताया। इस क्राइम की मोटिव की हिंट ये पूल के पास पड़े हुए मैगजीन्स में था। उस मैगजीन्स में बर्डी ने वही डायमंड पहना हुआ था। ब्लैंक ने पूरी मिस्ट्री वहीं पर सॉल्व कर दी थी। माइल्स फिर इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्लैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो। माइल्स ने कहा कि मैंने इतना सब कुछ किया था, ये प्लान करने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, तुमने सब कुछ पानी में डुबा दिया। ब्लैंक ने कहा कि मैंने तुम्हारा प्लान जानबूझकर बिगाड़ा, तुमने ग्लास ओनियन एज अ मेटाफोर बनाया। यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स है पर अंदर सेंटर पूरा नजर में आता है। तुम्हारी रिलेशन इन सब लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स है, इस क्रिस्टल की तरह। तुमने जानबूझकर इन सब लोगों के माइंड में तुम्हारे मर्डर की बात घुसाई। और यहाँ पर ब्लैंक धीरे धीरे सारे लेयर्स खोलने लगता है। वो कहता है कि तुम उन लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। क्लेयर के अपोनेंट को सपोर्ट करने की तुमने उसे धमकी दी थी ताकि पावर प्लांट के लिए वो मंजूरी देते। इसके बाद वो बार्डी को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है ताकि इन्वेस्टर्स में वो बच सके। आखिर में उसे ड्यूक के गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता था कि क्यों वो उसे मारना चाहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग दारू पीकर धूत हो चुके थे। इसके बाद वहां पर एंडी आती है और सब लोगों को बोलने लग गए। ड्यूक उस पर गुस्सा होकर उसे कह देता है कि तुम एक लूजर हो। इसके बाद एंडी वहां से चली जाती है। फिर वहां पर माइल्स आता है और सब लोगों का मूड लिफ्ट करता है। अचानक से ड्यूक के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे व्यूज आने लग गए थे। वो फिर अपना ड्रिंक पीने लग गया। इसी मोमेंट पर चोक होकर उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ब्लैंक पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाने के लिए कहता है। लियोनेल ने कहा कि पुलिस बोट से आएंगे, वो कल सुबह 6 बजे पहुंचेंगे। माइल्स ने नोटिस किया कि ड्यूक जिस ग्लास से ड्रिंक पी रहा था ये उसका खुद का ग्लास था, यानी कि माइल्स को कोई मारना चाहता था। वो फिर अपने सारे दोस्तों पर शक करने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ड्यूक की गन भी गायब है। सब लोग अब खतरे में थे। वहां पर एंडी नहीं थी तो सब लोग उसी पर शक करने लग जाते हैं। माइल्स घबरा जाता है। उसने सब लोगों के लिए 10 बजे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। ब्लैंक उसे थप्पड़ मारकर पूछता है कि 10 बजे क्या होने वाला है। 10 बज चुके थे और अचानक से सारे आइलैंड की लाइट चली जाती है। तभी वहां पर विस्की एक वेपन लेकर आती है। कहती कि एंडी ने सब लोगों के रूम को तोड़फोड़ कर दिया है। इसके बाद माइल्स वहां से भागने लगता है। तब ब्लैंक भी उसके पीछे भागा।
एंडी भी भाग रही थी तो माइल्स उसे देख लेता है। ब्लैंक वहां से जा रहा होता है तो देखता है कि किचन में से एक नाइफ भी चोरी हो चुकी है। इसके बाद वो एंडी से मिलता है और उससे बात कर रहा था, तभी एंडी का मर्डर हो जाता है, किसी ने उसे शूट कर दिया था। ब्लैंक इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कहता है कि जो लोग जहां पर है वैसे ही रहेंगे, पुलिस के यहाँ पर आने से पहले इस मर्डर मिस्ट्री को मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ब्लैंक को बॉक्स मिला था। हम देखते हैं कि ये वही बॉक्स था जो एंडी ने तोड़कर खोल दिया था। अब हमें रिवील होता है कि जो लड़की बोट पर आई थी वो एंडी नहीं थी तो एंडी की सिस्टर थी। वो दोनों जुड़वा सिस्टर्स थी। एक्चुअल एंडी का मर्डर हो चुका था। एंडी की सिस्टर ब्लैंक से कहती है कि मेरी सिस्टर ने चालू गाड़ी में सुसाइड कर ली थी। ये कोई सुसाइड नहीं हो सकती क्योंकि मेरी सिस्टर ये कर नहीं सकती। जिस नाइट उसने सुसाइड की उसी मॉर्निंग उसने सारे डिसरप्टर्स को मेल किया था कि उसके पास एविडेंस है जो उनके सारे एम्पायर को जलाकर राख कर सकता है। शायद उनमें से ही किसी ने उसे मार दिया। इस ईमेल में उसने एक फोटो निकाली थी और उसके हाथ में एक रेड एनवेलोप था। जो मूवी में फर्स्ट से हमें दिखाई गई है ये एंडी की सिस्टर हेलेन है। वो फिर दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव ब्लैंक के पास उसे हायर करने के लिए आई थी। ब्लैंक उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ के बारे में अब तक किसी को भी पता नहीं है, तुम मेरे साथ उस बोट पर एंडी बनकर आ सकती हो। तुम उसी की तरह हेयर स्टाइल वगैरह करना, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें इसके लिए हेल्प करेंगे। हेलेन पहले इसके लिए मान नहीं रही थी पर ब्लैंक उसे समझा देता है। इसके बाद हमें सब लोगों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। सब लोग जब यंग थे तो कोई भी फेमस नहीं था, कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, सब लोग एंडी के फ्रेंड्स थे। और फिर एक दिन उसने सबको माइल्स से मिलवाया। स्लोली स्लोली एनी और माइल्स ने मिलकर अच्छा सा बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया। बर्डी फिर मॉडलिंग में फेमस हो गई थी, ड्यूक ट्विच में फेमस हो गया था, लियोनल को उन्होंने पब्लिश करवा दिया था, क्लेयर को इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने हेल्प की थी। सब लोगों को मिलकर फिर उन्होंने अल्फा क्लब शुरू किया था। सब कुछ सही चल रहा था पर 2 साल पहले माइल्स एक साइंटिस्ट से मिलता है जो उसे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताता है। अब माइल्स कंपनी के सारे रिसोर्सेस उस हाइड्रोजन फ्यूल पर लगाना चाहता था। यह एंडी को सही नहीं लगता, वो माइल्स को ना कहती है। माइल्स फिर सारे अपने फ्रेंड्स को अपनी तरफ कर लेता है। उसने एंडी को एक कंपनी से निकलवा दिया। कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया एंडी को आया था और उसने नैपकिन पर लिखा था। यही उसके पास एक प्रूफ था कि कंपनी का आइडिया उसका खुद का है। एंडी को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए सिर्फ वही नैपकिन था पर ये नैपकिन वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए क्योंकि उसे मिला नहीं। इसी वजह से उसका सारा काम चोरी हो गया। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और बहुत दिनों बाद फिर उसे ये नैपकिन मिल चुका था और यही इन्वेलोप में रख कर उसने सबको ईमेल किया था कि अब वो सब कुछ फिर से पा सकती है, सब लोगों की लाइफ बर्बाद कर सकती है। ये सब होने के बाद जैसे मूवी के फर्स्ट में हमने देखा कि ब्लैंक और हेलेन फिर उस बोट पर गए। सब लोगों की बातों पर वो ध्यान रखने लग गए। हम फिर पूल पार्टी का सीन देखते हैं। क्लेयर ने पावर प्लांट के हमी पर साइन किया था, लियोनेल ने भी साइन किया था। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ये सब कुछ हेलेन सुन रही थी। ब्लैंक से हेलेन अकेले में सारी बातें करती है। एंडी जब अकेली थी तो क्लेयर और ड्यूक उसके पास आए। उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर आई ही क्यों हो। हेलेन कहती कि तुम सब लोगों ने वो ईमेल पढ़ा पर किसी ने रिप्लाई नहीं किया। क्लेयर कहती कि हमने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, टेक्स्ट किया पर तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम तुम्हारे घर पर भी आए थे पर फिर भी तुमने दरवाजा नहीं खोला था। वो दोनों फिर जिम में जाकर बात कर रहे थे। वो फैक्स मशीन देखते हैं जिसमें लियोनेल ने माइल्स को इनवेलोप का ईमेल सेंड किया था। तभी वहां पर ड्यूक आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ड्यूक विस्की को यूज कर रहा था। उसकी यूट्यूब पर ट्रैफिक कम हो रही थी तो माइल्स अपना नेटवर्क यूज कर उसे फिर से फेमस कर सकता था। यही बात मनाने के लिए विस्की माइल्स के साथ गई थी। पैरेलल में बर्डी भी बहुत बड़े ट्रबल में थी। उसने गलती से अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए कुछ लोगों को इलीगली जॉब दी थी। उन्हें वो बहुत ही कम पे कर रही थी पर उसे इस सब के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उसके मैनेजर से ये काम कर रहे थे। इस ट्रबल से निकलने के लिए सिर्फ माइल्स ही उसकी हेल्प कर सकता था। हेलेन और ब्लैंक फिर डिस्कस करते हैं। उन्हें रियलाइज हुआ कि जो इन्वेलप एंडी के पास था वो यही पर आइलैंड पर ही है। आज रात डिनर के वक्त उन्हें सावधानी से काम लेना होगा। ब्लैंक फिर हेलेन को सबके रूम में जाकर वहां पर वो इन्वेलप ढूंढने के लिए कहता है। वो पार्टी के वक्त सबके रूम में चेक कर रही थी तभी उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आने लग गए। एंडी के डेथ के बारे में सब लोगों को पता चल चुका था और उसकी न्यूज भी आ गई थी। हेलेन जब विस्की के रूम में थी तो विस्की वापस आ गए और इसी वजह से वो डर गई थी। वेपन लेकर उसके वो पीछे भागने लग गए। इसके बाद हमें पता है कि हेलेन को गोली लग गई थी पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। जहाँ पर उसे गोली लगी थी वहां पर उसने बुक रखी थी और उस वजह से वो बच जाती है। ब्लैंक फिर सबको लगे कि हेलेन मर चुकी है, इस वजह से उस पर रेड सॉस डाल देता है। फिर वो सबको लेकर वहां से चला गया और हेलेन वहां से उठकर भाग जाती है। ब्लैंक जब सबके साथ था तो कहता है कि मैं बार बार ग्लास यूनियन के बारे में ही सोच रहा हूँ। जितने में लेयर्स निकालते जा रहा हूँ उसमें उतने ही लेयर्स निकल रहे हैं। हेलेन जल्दी से जाकर इन्वेलप ढूंढ रही थी और फाइनली उसे मिल जाता है
ब्लैंक कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया तब से हर एक चीज गड़बड़ हो रही थी। माइल्स ने अपनी जो भी थियरीज बताई वो कुछ वर्ड्स का यूज कर रहा था जो उसे बोलने आते नहीं थे। मुझे लग रहा था कि वो एक जीनियस है, पर शायद ऐसा नहीं है, माइल्स एक इडियट है। वो कहता है कि माइल्स ने ड्यूक को मारा है। उसने बड़ी चालाकी से अपना ग्लास ड्यूक को दे दिया। उसे पता था कि ड्यूक को ऑरेंज जूस की एलर्जी है। उसने उसकी ड्रिंक में ऑरेंज जूस मिला दिया था और इसी वजह से ड्यूक की डेथ हो गई। ड्यूक को मारने के पीछे का रीजन उसका आसान था, विस्की के साथ एक्चुअल में उसका अफेयर हो गया था। विस्की से मिलने के लिए न्यूयॉर्क में आया था, उसे एंडी का ईमेल मिला और उसे मारने के लिए उसके घर पर जा रहा था। तभी उसने रियलाइज किया कि ड्यूक ने उसे देख लिया है। ड्यूक सबको बता सकता था कि माइल्स ने एंडी को मार दिया है, इसी वजह से माइल्स ने ड्यूक को मार दिया। अभी सारी थ्योरी का एविडेंस सिर्फ वो नैपकिन ही था। माइल्स से नैपकिन छीन लेता है और उसे जला देता है। हेलेन ब्लैंक से कहती कि क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्लैंक कहता है कि सिर्फ वही एविडेंस था। इसके बाद वो हेलेन को एक इशारा देता है और फिर वहां से जाने लग गया। ब्लैंक के पास माइल्स का हाइड्रोजन फ्यूल था, ये उसने अब हेलेन को दे दिया था। हेलेन एक एक कर हर एक चीज को तोड़ने लग गए। वो फिर हाइड्रोजन फ्यूल को ही लेकर वहां पर आग लगा देती है। सब लोग माइल्स से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और इसी वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो भी हर एक चीज को तोड़ने लग गए। यहाँ मोनालिसा की पेंटिंग भी बर्न हो जाती है। सब लोग वहां से नीचे आते हैं। वो माइल से कहते हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे हाइड्रोजन फ्यूल की वजह से मोनालिसा पेंटिंग बर्न हो गई तो कभी भी हाइड्रोजन फ्यूल वो यूज नहीं करेंगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसी के साथ साथ एंडी के मर्डर के लिए अब वो गवाही देने के लिए रेडी हो गए थे। माइल सब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। मूवी से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।